शुरू में जब तक पिताजी थे मैं पिताजी की गोद में ही बैठी रहती थी वो मुझे दादी माँ कहते थे और उन्हीं के कहने के चलते मेरे मन में बहुत बचपन से ये बात कर गई कि मैं पूरी दुनिया की दादी माँ हूँ भैया ने कहा कि इसको यहाँ मत पढ़ाइए आप यहाँ के कुलपति हो गए अब ये यहाँ कुछ भी करेगी तो लोग कहेंगे कि आपकी बेटी है इसलिए और वैसे भी इसका दुनिया देखना ज़रूरी है मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बहुत बड़ी आलोचना की और बहुत सम्यक आलोचना की कहा कि तुम एक ही कविता में पचास इमेज क्यों दे देती हो देखो स्त्रियों को पुरुष जैसा होने की ज़रूरत नहीं है पुरुषों को स्त्री जैसा होने की ज़रूरत मैं जब देखती हूँ कि आपकी पीढ़ी में सूफी संगीत सूफी कविता पढ़ी जा रही है इससे मुझे उम्मीद बनती है कि अतिरेकों के निषेध की प्यास आप लोगों में है मेरा जो एक माँ का रूप है वो मेरे एक नागरिक के रूप से विच्छिन्न तो नहीं है तो कवि का रूप जो है उपन्यास के रूप से विच्छिन्न भी नहीं है पश्चिम में भी जो एक पूरब है वहाँ की कविताएं मुझे बहुत मुतासिर करती रही हैं जैसे पोलैंड की कविता हजारी प्रसाद द्विवेदी वगैरह ये लोग पिताजी के बहुत करीब थे और अंततः इन लोगों का वात्सल्य मुझ पर बना रहा तो मुझे क्या पता कौन क्या हो रही किताब कहाँ टहल रही जब मैंने किताब लिख दी तो किताब किस गली गई कैसे किस टेबल पे आई मुझे थोड़े पता जिसने भरोसा कर लिया उसको मार डालने में कौन सी बहादुरी जो गोदी में आकर सो ही गया उससे छल लेने उसको छल लेने में कौन सी विचक्षणता अंतरंग में कुछ मुझे बदलाव घटित करने मुझे जानने वाला नहीं कोई कहता मेरे माता पिता ने नहीं, नहीं कहा मेरे बच्चों ने नहीं कहा मेरे छात्र नहीं कहते मेरे मेरे पति नहीं कहते मेरे दोस्त नहीं कहते नमस्कार स्वागत है आपका संगत में आज मेरे साथ हैं वरिष्ठ कवयित्री कथाकार अनामिका बहुत स्वागत है अनामिका जी कार्यक्रम बहुत अंजुम धन्यवाद यहाँ बुलाने का कुछ सवाल ऐसे होंगे अनामिका जी इस इंटरव्यू के दौरान जो आपसे कई बार पूछे गए होंगे और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कोशिश करूँगा कि अब तक न पूछे गए हों हालांकि वो भी पूछे ज़रूर गए होंगे लेकिन कोशिश मेरी रहेगी एक सवाल जो अक्सर हर किसी से पूछा ही जाता है कुछ अपने बचपन के परिवेश के बारे में बताइए कैसा था चूंकि ये बार बार पूछा जाता है तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि एक्सप्रेशनिस्ट पेंटर्स जैसे होते थे वो उस शैली में अगर मैं बात करूँ तो शायद ज़्यादा संभाल पाऊंगी समेट पाऊंगी तो एक्सप्रेशनिस्ट पेंटर क्या करते थे कि सेसफुल सेसफुल बनाते थे वो तरह तरह के चकत्ते जैसे कैनवास पर बनाते थे अब उसको हम मैं उन चक्कतों की तरह कुछ अड्डे तलाशती हूँ आंख बंद करके तुम्हारे साथ एक खेल खेलती हूँ अपने साथ भी एक खेल खेलती हूँ और देखती हूँ कि बचपन के उस कैनवास पर कौन कौन चेहरे हैं कौन कौन अड्डे हैं हमारे तो सबसे पहले एक बड़ा सा पलंग दिखाई देता है मुझे वो जो पलंग है इतना बड़ा है कि एक तरफ भैया एक तरफ पापा सोए हैं और माँ उस तरफ सोई है पाओं की तरफ और पापा अपने गीत गा रहे हैं दूसरों के भी गीत गा रहे हैं और हमें थपकियाँ दे रहे हैं और माँ कहानियाँ सुना रही है भैया भी अपनी किताबों की बातें सुना रहा है और बगल में कटहली चंपा है उससे खुशबू आ रही है चांद जो है वो हमारी खिड़की के सामने खड़ा हुआ गुपचुप सारी बातें सुन रहा है एक चित्र मेरे दिमाग में ये उभर रहा है बहुत स्ट्रोंग इमेजरीज हैं ये। एकदम अभी मैंने खेल ही शुरू किया है देखती हूँ क्या क्या आता है हम्म जादू फिर एक चित्र आता है 1971 में जो बांग्लादेश का युद्ध हुआ था उस समय बहुत ब्लैक ब्लैकआउट होते थे और ब्लैकआउट इसलिए होते थे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोर्स कराया जाता था कि कैसे पलंग के नीचे छुपते हैं अगर कुछ होता है तो।, तो हम सब बहुत खुश बच्चों को तो कुछ पता नहीं होता कि क्या हो रहा है उसकी व्याप्ति नहीं समझ में आती हर कुछ सब कुछ खेल ही लगता है तो वो ये क्षण याद आता है कि मोहल्ले के सारे बच्चे हैं पिताजी सबसे कविताओं और कहानियों के अंताक्षरी खेल रहे हैं और हम उस पलंग के नीचे छुपे बैठे हैं और वो वो ऐसा पलंग है जिसमें मैं रूठ जाती थी अगर पिताजी आते ही मुझे गोद नहीं उठाते थे तो मैं पलंग के नीचे चली जाती थी मानो बिल्ली बन के और उसके बाद तब तक बैठी रहती थी तब तक पिताजी बेचारे झुक के मुझे वहाँ से निहोरे करते हुए मान करते हुए बुलाते नहीं थे ठीक है तो वो जो ब्लैकआउट था वो एक बहुत बड़े रूपक की तरह मेरे दिमाग में आता है बहुत चीज़ें हैं जो खोती चली गई एक स्कूल है सेंट फ्रांसिस जेवियर्स एकेडमी जो हमारे घर के पीछे ही है उसमें एंग्लो इंडियन कुछ टीचर्स हैं मिसेस हॉलिंग्सवर्थ मिसेस हॉग्स उनकी दो बेटियां हैं फेलिन और शैरिन जिनके साथ मैं खेलती हूँ और वो उस वो समय ऐसा है जब एंग्लो इंडियन समुदाय जो था वो धीरे धीरे गायब हो रहा था ये आप अपने स्कूल के दिनों की ये बात मैं स्कूल बता रहे हैं। की बात बता रही हूँ और मैं स्कूल जाने में बहुत रोती थी बहुत ज़्यादा क्योंकि मुझे ये लगता था मेरे पीछे मेरी माँ को कुछ हो ना जाए और एक मुझे दृश्य और याद आता है जब मुझे एक चटाई बिछी है धूप की चटाई और उसमें मोहल्ले भर की सब औरतें अपना दुख सुख कहने माँ से आ रही हैं एक और चित्र है कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है उसमें दुनिया भर की किताबें हैं और पिताजी की लगाई हुई जिल्द है हर किताब पे। कौन सी वाली जिल्द तो जैसे पहले कैलेंडर होते थे बड़े मोटे मोटे और रवि वर्मा की उसमें रित नायिकाएँ ऐसे बैठी होती थी <laughs> तो माँ पिताजी जो कि बचपन में साथ पढ़ते थे और साथ साथ उन्होंने सारी किताबें खरीदी थी वो लोग कैलेंडर काट रहे हैं जिल लगा रहे हैं और हम लोग भी वहीं बैठे हैं ये कुछ चित्र हैं जो एक कस्बे में एक मध्यवर्गीय शिक्षित मध्यवर्ग वर्गीय परिवेश में बहुत आम हैं और क्षेम वहाँ में अहम जो एल का लोगो होता है उस तरह की स्थिति है उसमें दोनों तरफ से घिरा हुआ एक दिया है उसके बाद का जो जीवन है जब भैया मुझे दिल्ली लाते हैं पढ़ाने का मैं उस पर आऊँगा बिल्कुल कठिन मैं उस पर आऊँगा इतनी सारी इमेजेस आपने हमारे सामने रख दी एक पलंग के नीचे है एक चटाई है आ, स्कूल जाती हुई अनामिका हैं लाइब्रेरी में घूमती अनामिका है हैं इन सब में उस बचपन की अनामिका को क्या ज्यादा अच्छा लगा करता था सैद दृश्य मुझे अंदर कहीं पानी में बहते दीयों की तरह याद हैं तो ये सारे क्षण मुझे अब स्कूल वाला छोड़कर स्कूल मैंने बाद में, बाद में मुझे धीरे धीरे हाँ. स्कूल अच्छा लगने लगा पहले मैं बहुत रोती थी लेकिन बाकी ये क्षण अच्छे लगे होंगे तभी मेरी स्मृति में अच्छा आपके पिता जी मतलब उनका नाम काफ़ी है आ, श्यामनंदर किशोर जी, जी बहुत बड़े आदमी रहे साहित्यकार रहे कुलपति भी रहे जी। आपकी माँ का भी साहित्य से वास्ता रहा पिता का प्रभाव आप पर ज़्यादा था या माँ का शुरू में जब तक पिताजी थे मैं पिताजी की गोद में ही बैठी रहती थी वो मुझे दादी माँ कहते थे और उन्हीं के कहने के चलते मेरे मन में बहुत बचपन से ये बात कर गई कि मैं पूरी दुनिया की दादी माँ हूँ <laughs> मैं बातें ज़्यादा करती होंगी तो अभी तक मेरे मन में यही केंद्रीय मैं पांच बरस की थी तब से बैठा है कि अच्छा वो सीरियसली मुझे दादी माँ कहते थे और मुझे सच सीरियसली लगता था कि मैं पूरी ब्रह्मांड की दादी माँ मेरा <laughs> नाम जो अनामा शक्ति के आधार पर रखा गया अच्छा। था और उनको लगता था कि किसी नाम में के झमे नाम रूप का झमेला मुझे बांधेगा नहीं ऐसी मैं बनूंगी तो इस तरह से पिताजी की ही बेटी मैं रही बीस बरस बाईस बरस बाईसवें साल में पिताजी अचानक चले गए उसके बाद मुझे बहन गहन जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि अब माँ कैसे रहेगी तो तब से मैंने एक एक क्षण माँ के नाम कर दिया और उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लगता रहा कि माँ को देखना उसके एक एक क्षण उसका ख्याल रखना मेरा काम है उसके बाद मैं पूरी तरह माँ की बेटी हो गई और साहित्य की तरफ आना कैसे हुआ साहित्य की तरफ सो आना मेरे पास कोई और उपाय ही नहीं था इतना मैं खाते हम लोग खाते पीते सोते ओढ़ते शब्द ही शब्द थे ध्वनिया ही ध्वनिया थी अंतरा अंताक्षरी भी पिताजी खेलते थे लुका छिपी भी खेलते थे तो शब्द और अर्थ की ही लुका छिपी और अंताक्षरी खेलते थे तो मेरे पास शायद कोई उपाय ही नहीं था कि मैं और कुछ करूं। तो मैं मेरे पास वही खेलने का सामान था वही सोचने का था भैया हॉस्टल भेज दिए गए तो अकेलापन भी था तो हालाँकि पिताजी के यहाँ बहुत लोग आते थे माँ से मिलने भी बहुत स्त्रियाँ आती थी मगर फिर भी मैं और मेरा एकांत तो और किताबें और शब्द और ध्वनिया और तरह तरह के चित्र इनसे मेरा संवाद बहुत घना होता चला गया और गपशप की आदत पड़ गई तो जिसको गपशप की आदत पड़ जाती है वो साहित्य में आ ही जाता है आत्मा हर आत्मा में कुछ ना कुछ ऐसा है जो अनंत है और उस अनंत की पुकार अगर आपने एक बार सुन ली तो आप और कहीं जाने के लायक ही नहीं रहते आप उस बांसुरी वाला की तरह जैसे बांसुरी वाले के पीछे पीछे चूहे चल देते थे वैसे ही अगर आपको कहीं वो दिख गया तो फिर आप चूहे की तरह उसकी बांसुरी के पीछे चलते ही चले जाएंगे तो साहित्य में सहज ही आ गई मुजफ्फ़रपुर बिहार जहां आप अनामिका जी बड़ी हुई जहां पैदा हुई तो वहां अपने स्त्रियों को देखा होगा किस तरह की स्त्रियां थीं और पुरुषों के साथ उनके संबंध कैसे थे ये पूछने की वजह आपका लेखन भी है क्योंकि लेखन में जिस तरह की स्त्रियाँ और जिस तरह के पात्र आप रचती हैं क्या वो वहीं से आती हैं मेरे घर में माता पिता में चूँकि बहुत घना प्रेम था और सच्चा वाला प्रेम था तो मैंने मेरे दिमाग में ही नहीं आता था कि स्त्री पुरुष संबंध में कोई ऊंच नीच भी होती है वैसे भी पुराना बंगाल था ना बिहार तो बिहार बंगाल उड़ीसा पुराने प्रोविंस ऑफ बंगाल तो बंगाली पुनर्जागरण का प्रभाव होगा या कुछ होगा घरों में शिक्षित मध्यम वर्ग में नहीं दिखता था कि कहीं ना कहीं भेदभाव की संरचनाएं नहीं दिखता था लेकिन दो ऐसे अड्डे थे जहां मुझे दिखाई पड़े दिखाई पड़े उस तरह के विंडम्बना मूलक महाप्रश्न और ये उस समय हुआ जब मैं मुजफ्फरपुर से दिल्ली आने लगी थी उस समय मुझे मज़ार दो अड्डे थे जैसे एक अड्डा दो तो अड्डे थे एक मज़ार था जिसमें मेरे नाना के घर से खाना जाया करता था एक वकील साहब थे जिनको इलाम हुआ था दाता राजेंद्र शाह कहलाते थे वो तो वो अपनी रोरिंग प्रैक्टिस छोड़कर फकीर हो गए थे दाता कंबल शाह के मज़ार पे चले गए थे जब वृद्धा विष्याएँ मुझे पहली बार वहाँ दिखा ही दी दाता कम्बल शाह के मज़ार पे वो आती थी नातिया कवाली सुनने और वहाँ की खुसुर फुसर मुझे थोड़ी बहुत समझ में तब आती थी उस समय पूरी समझ में नहीं आती थी क्योंकि मेरा उस तरह से क्रिटिकल सेल्फ बहुत दूर देर तक देर बाद विकसित हुआ सिवा सिवा प्रश्न लगते थे कि अरे यहाँ कुछ अलग सा है कुछ अजब है लोग कैसे कह रहे हैं क्यों बोल रहे हैं और उनका जो दाता से संवाद होता था वो भी मुझे लगता था कि कुछ अलग सा है दोस्त वैसे कि मैं जो सोनिया है उस तरह से ये कुछ उस तरह के चरित्र हैं तो किताबों से मैं जीवन की ओर आना मैंने शुरू किया फिर गरीब बस्तियों की भी बहुत मजदूर स्त्रियॉँ थीं अगल बगल के गाँव की, की स्त्रियाँ थीं एक बहुत बड़ा कुआं था उसमें जैसे बहुत सारी परछाइयाँ रहती थी तो मुझे लगता था कि ये सब ध्वनियाँ और परछाइयाँ मेरे भीतर कहीं बस गई हैं और मेरे भीतर एक ऐसा लोक रह गया जिसकी व्याप्ति मुझे बाद में समझ में आई जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय भैया ने कहा कि इसको यहाँ मत पढ़ाइए आप यहाँ के कुलपति हो गए अब ये यहाँ कुछ भी करेगी तो लोग कहेंगे कि आपकी बेटी है इसलिए और वैसे भी इसका दुनिया देखना ज़रूरी है और वो मुझे ले आए दिल्ली वो मसूरी तब तक चले जाने वाले थे आई इसमें एस में आ गए थे वो लेकिन मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए उन्होंने एम ए तक तैयार कर लिया था हालाँकि मैं रोती थी मगर फिर भी पिताजी भी रोते थे मगर फिर भी हम लोगों ने मानसिक तैयारी कर ली थी तो वहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के हॉस्टल में मैंने वहाँ अलग अलग तरह की स्त्रियाँ देखी हर कमरे में एक नए देश की एक नए संदर्भ की एक नए वर्ग की एक नए वहाँ भी मुझे हर कहानी हर कमरे में एक कहानी मिली लेकिन और वो जो गाँव और कस्बों की स्त्रियाँ थीं और वहाँ की स्त्रियाँ थी दोनों की समस्याएँ अलग अलग थी। था। अलग अलग थी लेकिन कुछ सूत्र थे जिससे मुझे बहनापे की दृष्टि मिली कि सबकी देह उनके शोषण का प्राइम साइट थी उनकी आधार भूमि थी ये बाद में किससे सुनते सुनते यही वो समय था जब दिल्ली विश्वविद्यालय में विमेन स्टडीज़ की पढ़ाई होने लगी थी कुमकुम -कुम सांगरी और दूसरी तरह की उमा जी वहाँ ये सब टीचर्स हमारी थी और उन कि अब मुझे टूल्स मिल गए थे विदेशी साहित्य स पढ़ते पढ़ते जो प्रश्न मेरे मन में टहलने लगे थे उनके उत्तर ढूंढने मैंने उस समय शुरू किए थे और दोनों तरह की स्त्रियों से विदेशी और देशी और शहराती जो स्त्रियाँ होती हैं उनका और कस्बे की जो स्त्रियाँ होती हैं गांव की जो स्त्रियाँ होती हैं उनका बहनापा कैसे कैसे विकसित हुआ मेरे मन में मीरा के प्रेम बेल की तरह इसकी कहानी लंबी है लेकिन अभी तो सूत्र ही छोड़ते हैं तो कुछ सूत्र पकड़े कविता तो अनामिका जी बचपन से आपने शुरू कर दी थी यानी वो बचपन में आपको आ गई थी लेकिन हर किसी के जीवन में एक क्षण होता है जहां पर उसको लगता है कि हाँ अब मैं बन गया हूँ ये चीज अब मैं कहला सकता हूँ तो वो कौन सा क्षण था या आपको कब लगा कि भाई अब मैं लेखिका या अब मैं कवयित्री कहला सकती हूँ देखिए मैं ना अबोध थी जिस समय पिताजी के दुलार के कारण मेरी किताबें छप गईं स्कूल में ही और कविताएं भी जैसे कादमिनी और धर्मयुग तक में छप गईं उन्होंने बात शुरू में भेजी होंगी बाद में मैंने खुद भी धनवीर भारती ने कविताएं दोबारा भी मंगवाई थी तो उस समय मिथिला का एक लोकगीत है उसका संदर्भ यह देती हूँ आपको वो लोकगीत है कि एक बालिका वधु है सोई हुई है और अचानक गाजा बाजा बजने लगता है और वो गाती है कि सूतल आई बाबा के भवनवा अचके में आयल रे मैं तो सोई थी पिताजी के भवन में गुड़ी मुड़ी होके अचानक गाजा बाजा होने लगा तो कवि कहलाना मैं मुझे जब से होश है तब से जो जो भी घर में आता था वो कविताएं मुझसे सुनता था तो मुझे लगता था कि कवि मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जैसे बावर्ची होते हैं वैसे कवि होते हैं उसमें कोई अलग कोई बात नहीं है इसमें हर व्यक्ति एक कवि होता है मैं भी हूँ तो उसमें कोई बात नहीं अच्छा पिताजी हमेशा कहते थे कि देवत्व के बीज सब में होते हैं उसी तरह कवित्व के भी बीज सब में होते तो मुझे किसी में कविता नहीं है ये समझना है। मुझे समझ ही में नहीं आता कि कविता कैसे नहीं होगी जैसे भूख लगती है वैसे वैसे कविता, वैसे कविता होती है <laughs> जैसे खाना होता है वैसे तो ये मुझे बोध नहीं था तो कविता वाला बोध तो बहुत अचके में औचक में बचपन में ही समझ में ही नहीं आया कि कोई कवि नहीं भी हो सकता है सब में कविता दिखती थी समझ कब आई ये चीज़ ये समझ मुझे तब आई जब यहाँ दिल्ली आने के बाद मुझे प्रतियोगिताओं में मुझे पुरस्कार मिलने लगे मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय में उन दिनों बहुत युवा काव्य पाठ होते थे और मैं मैं कविता प्रतियोगिता कहने के पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि कविता प्रतियोगिता का विषय नहीं है hmm. मगर फिर भी ये कहलाती थी तो अलग अलग कॉलेज में हर बार वहाँ पर युवा फेस्टिवल होते थे विंटर फेस्टिवल होते थे दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज में तो उसमें एक था कि जो भी कविता लिखता है वो कविता सुनाए तो उसमें मुझे अचानक लगा कि जब मैं सुनाती हूँ तो कुछ लोग उसको मुझे अलग तरह से देखते हैं मतलब मुझे वो लोग उसको मतलब मुझे अलग से कवि होना कोई अलग सा होना व्यक्ति होना है ये मुझे समझ में तब आया एम ए के समय में पहले नहीं समझ में आया जब कविता लिखती हैं तो किस बात का ख्याल रखती हैं मतलब कुछ ख्याल रखती हैं या ओवरफ्लो है देखिए जैसे माँ रोटी बनाती है किसी की भी चाहे कोई भी स्त्री आप ही लोग नए पुरुष जो बनाते हैं तो आटा छोड़ सान के थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो रोटी थोड़ी मुलायम बनती मूंग अगर घुराना हो तो उसको गीला जारे हो और भिगा कर करके गटरी बांध के थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो पहला तो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता ही है क्योंकि कहीं चोट लगती है तो कहीं ना कहीं तो स्राव होगा तो कविता भी आंसू और खून की तरह बहती है भीतर तो वो तो एक बार ड्राफ्ट ले कर लेने से थेराप्यूटिक रिलीज हो जाता है मन थोड़ा शांत होता है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब पहली खुजली मचती है किसी सीप के भीतर जब उसमें धूल पड़ जा उसके अंदर घुस जाती है तो एक अंतस्राव होता है वही उसी तरह का अंतस्राव होता है चोट लगने पर भी वो चोट किसी भी तरह से किसी विडंबना के कारण सामाजिक विडंबना से हो पर्सनल विडंबना के कारण हो विडंबना की पहचान जब न तो चोट लगती है तो स्राव होता है तो कविता का फर्स्ट ड्राफ्ट तब फिर वो ड्राफ्ट में छोड़ देती हूँ कुछ दिन के लिए अच्छा जैसे मैं मुंह अकुराने के लिए छोड़ देती हूँ और दोबारा फिर मैं काम करती हूँ उस पर जब मैं तटस्थ होकर उस पर फिर मैं तो उसको एडिट करती हूँ बाद में एडिट करते हुए कभी कभी एक कविता से तीन कविताएं निकल आती हैं कभी एकदम छोटी सी वो वो एक मैजिक वो एक जादू जैसी चीज़ है उसका क्या होना है ये कुछ समझ में नहीं आता घर में किसी को सुनाती हैं श्रोता या आलोचक है बिंदु सर <laughs> बिंदु सर को मैंने शुरू शुरू में आजमाया और बच्चों को भी आजमाया मेरे बच्चे लेकिन बहुत अच्छे से वो चुपचाप बैठ के सुन लेते थे ये तो एक दो एक दो सुन के कहते थे कि ठीक है इसमें ये है तुम एक साथ बिंदु सर ने एक बहुत मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बहुत बड़ी आलोचना की और बहुत सम्यक आलोचना की कहा कि तुम एक ही कविता में पचास इमेज क्यों दे देती हो एकदम से लगता है कि ओवर फर्निश्ड रूम है शुरू की कविताओं की आलोचना बहुत सही की उन्होंने क्योंकि एक साथ मुझमें बहुत कुछ उमड़ता था तो ये मैंने स्वीट्स मैंने कहा कि हाँ ओवर फर्निश्ड रूम नहीं होना चाहिए फिर मैंने धीमे धीमे फर्नीचर निकाल एक एक कविता में एक ही इमेज एक ही आइडिया पर वो ख़त्म ये उनका बहुत एक ले मैन की तरह उन्होंने वैसे मेरी माँ मेरी सब कविताएँ पढ़ती थी और बच्चे भी पढ़ते थे और, और, और तो कोई नहीं आपका पहला संग्रह आता है गलत पते की चिट्ठी और हालिया जो संग्रह आया जो मैंने पढ़ा मैं उसकी बात करता हूँ पानी को सब याद था वहाँ से वहाँ तक की जो यात्रा है उसमें अनामिका ने ख़ुद को कितना बदला हुआ पाया मैं अब अनामिका जो है वो अब धीरे धीरे मंद मंद मुस्का सकती है शुरू में मैं आकुल व्याकुल ज़्यादा होती थी सवाल बहुत उठाती थी अब उम्र के साथ साथ जीवन में जो रेपिटेटिव पैटर्न होते हैं और इतिहास बोध जो थोड़ा गहराता है तो थोड़ी तटस्थता आती है और उससे थोड़ा सा हास्य बोध बढ़ता है और उसके अलावा क्या कहूँ ये पहले एक साथ जैसे बहुत बिंब आते थे उस बिंब में मैंने अब एक बार में मैं एक ही बिंब लाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि उससे मुझे समझ में आता है कि कहीं भी अतिरेक जीवन में नहीं चाहिए और हमेशा जितना शब्द बोलते हैं उससे ज्यादा मौन बोलता है तो एक शब्द के आगे बहुत सारा मौन आगे पीछे कुशनिंग के लिए जरूरी है नहीं तो अंदर धक्का मुक्की हो जाती है तो शिल्प हो सकता है कि और मतलब चुप्पी का महत्व तो समझने वाला हुआ हो थोड़ा हाथ से बोध बढ़ा हो थोड़ा सा मजे मजे में वैसे चुटकी में मुझे पिताजी से ये था कि मैं वो जैसे मजे मजे में चुटकियों में बहुत हंसाते हुए मर्म की बात कह देते थे उनके बात में इनका वही ढंग है था तो शायद इसका मुझे प्रभाव मेरी शैली पे पड़ा हो या शिक्षक होने या माँ होने या आप लोगों की उम्र के लड़कों के साथ हमेशा यूनिवर्सिटी में रहने के कारण मुझे हंसा खिला के कोई बात समझाने वाली वृत्ति मेरी हो गई है अच्छा अगर यही संग्रह मैं लूँ पानी को सब याद था इसमें आपने बहुत सी लोगों को याद किया है बहुत से पात्र हैं बहुत से कवि हैं जिनको याद किया है, है। अगर मैं देखूं तो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं घनानंद सुजान शूर पणखा और इसके अलावा आपने उसने कहा था कहानी तक का शीर्षक इसमें है फिर रूसी औरतें हैं फिर पद्मिनी नायिकाएं हैं मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो चूज़ एंड पिक है ये कैसे किया कि इन्हीं पर मुझे लिखना है नहीं ये खुद स्वयं मैंने पिक एंड चूज़ नहीं किया अंशु अंजुम ये मेरे जीवन में कुछ ऐसा घटा कि मुझे मैंने दोबारा पढ़ा मैंने हिंदी साहित्य विधिवत नहीं पढ़ा था मतलब कहीं कहीं से पढ़ा था बाद में जब मैं अंग्रेज़ी के अलावा हिंदी साहित्य पर भी ध्यान देकर पढ़ने लगी एक एक करके सबको दोबारा पुनः पाठ पहले तो रैंडम पढ़ा था ना जहां तहां से जी। उसके बाद विधिवत जो पढ़ना शुरू किया और स्त्री का लेंस तब तक विकसित हो गया था तो जो मैंने पात्र पहले देखे थे जो मुझे याद था जो पानी को मेरे भीतर के पानी को जो याद, याद था।, था जो परछाइयाँ वहाँ दर्ज थी और वो पढ़ा गुना सुना हुआ भी उससे संवाद करने लगा एक तरह से जिसको अंतरपाठ्यता कहते हैं वो ध्वनियों का ही विस्तार है अंतर ध्वनियों का ऐसा मुझे लगा भोगा हुआ जो था वो तो था ही देखा हुआ तो था ध्यान से देखना और गौर से सुनना ये प्राय हर स्त्री को आता है और तो मुझे भी आता है मैं किसी को भी अलल टप्पू ढंग से न सुनती हूँ न देखती हूँ ध्यान से ही एक, एक साधारण स्त्री की तरह मैं बहुत गौर से सुनती हूँ बहुत ध्यान से देखती हूँ ये मेरा है उसके इसके चलते मेरे भीतर का जो खोएचा है ना मेरे आंचल का जो खोएचा है वो बाहर आ रहता है बहुत सारे बिंबों से बहुत सारी अनुभूतियों से और अब जो नए सिरे से पढ़ना शुरू किया तो लगा कि अरे ये जो किताबों में है और जो मैंने देखा है अगर मैं इसको लिखती तो क्या लिखती इसको क्या इसको मैं दोबारा कैसे जैसे जीवन का एक पाठ हमें मिला है और हम सब इसको रीड्राफ्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं। है ना कुछ गिवेंस हैं कुछ परिस्थितियाँ कुछ मनस्थितियाँ हमारे परिवेशगत हैं और उसको हम दोबारा संजो रहे हैं और दोबारा नए सिरे से लिख रहे हैं तो यही हमने आ, उन पात्रों के साथ भी किया जो मैंने सचमुच के लोग देखे कि स्त्रियॉँ देखी थी और मध्यवर्ग में स्त्रियों स्त्रियाँ स्त्रियों के पास ही ज़्यादा रहती हैं बहुत कम पुरुष देखने का एक मध्यवर्गीय स्त्री को मौका मिलता है अपने घर के अलावा इतना ज़्यादा कम ही बाहर कस्बे में निकलने दिया जाता है कि मैंने स्त्रियों का संसार ही ज़्यादा देखा था तो वही मेरे भीतर रह गई उनकी स्त्रियां उनका बा उनका बा उनके संवाद उनका बाकपन और ये जो पढ़ी हुई स्त्रियां थी जो अन्य देश काल से आई थी उनके साथ मिलके एक तरह से उन्होंने एक संसार बसा लिया वहां अर्थग्राम बसा लिया मेरे मन में क्या क्या इसीलिए नामिका जी आपकी स्त्रियां आपके लेखन में रिश्तों से इतनी ज्यादा बंधी हुई रहती हैं उस वही बंधन मुक्ति है उनकी मुक्ति भी इसी में है देखो स्त्रियों को पुरुष जैसा होने की जरूरत नहीं है पुरुषों को स्त्री जैसा होने की जरूरत है। इसलिए बंधन कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर वो सबकी मुक्ति को साधता हुआ बंधन हो अगर मैं तुमसे बंधी नहीं हूँ तो मैं तुम्हारी मुक्ति का स्वप्न नहीं देख सकती और अगर स्वप्न देख लूँ तो वो बड़ा खोखला होगा मैं तुम्हारी तुमको मानती हूँ तो भी तुम्हारी मुक्ति का स्वप्न देखूंगी और मुक्ति का स्वप्न देखने भर से कुछ नहीं होगा मुझे उस दिशा में कुछ तुम्हारा हाथ पकड़ के चलना होगा या तुम मेरी मुक्ति का स्वप्न देखोगे वो स्वप्न ही क्या जो अपने ही लिए देखा जाए स्वप्न उस हर उसके लिए स्त्री देखती है जिसको वो प्यार करती है तो बंधन और मुक्ति और दुनिया में ये जितने भी ध्रुवांत हैं वो हाथ पकड़ के चलने वाले उपादान है तो इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि बंधन में हैं स्त्रियाँ तो अपने से चुने हुए प्रेम के बंधन में आरोपित संरचनागत दबावों की बात मैं नहीं कह रही जिसमें कि कोई किसी पे शासन करता है कब्जा करता है उसको उंगलियों पे नचाता है वो बंधन तो बेकार के बंधन है वो तो बहुत ही आरोपित लेकिन जो बंधन प्रेम के होते हैं उन बंधनों में रहते हुए भी अपने से मुक्त करने का अच्छा आम तौर पर फेमिनिज़्म को दर्शाने के लिए जो किरदार लिखे जाते हैं वो बहुत कहा जाता है बहुत बोल्ड अगर आप किरदार लिखें तो आ, फेमिनिज्म को दर्शा दिया जाता है क्या ये फेमिनिज्म को बांधने जैसा नहीं है स्टीरियो टाइप तो किसी भी किसी भी साहित्य में नहीं होना चाहिए और हर मनुष्य में छाया संसार और प्रकाश और छाया का पूरा एक संसार उसी से रचा गया है किसी को भी अधिक अत्यधिक ग्लैमराइज ग्लोरीफाई कर देने से वो सच से दूर हो जाता है जो जैसा है उसको अगर वैसा ही रखा जाए भरसक जिसको प्लेटो प्लेटोमाइमेसिस कहते थे अगर उस तरह से भी रखा जाए भरसक सत्य के निकट रखा जाए क्या साहित्य में सिर्फ पुनर्संयोजन होता है इतने बड़े जीवन से कुछ चुने हुए क्षण छाट के आप नए तरह से उसको सजा लेते हैं अगर आपने बच्चों का वो कडाइलोस्कोप देखा होगा टूटी हुई चूड़ियाँ जिसके जिसके अलग अलग छवियाँ बनती रहती है। हैं उनको डायलोस्कोप देखा ही होगा टूटी हुई चूड़ियाँ अंदर रहती हैं जितनी बार देखो उतने नए संयोजन के साथ वो सज जाती हैं लेकिन चूड़ियाँ वही रहती हैं तो साह जीवन जैसा है वही देखना है हमें क्षण चुन के नए तरह के वृत्त तो क्षण चुने सुने चुने हुए संसारों चुने हुए क्षणों का प्रति संसार रच लेना है हमको हु? तो क्या हिंदी में, हिंदी लेखन में में लेखन आपको लगता है स्त्री विमर्श को लेकर जो लिखा जा रहा है वो स्टीरियोटाइप हो चुका है नहीं वो हर समय होता है और तोड़ा पहले जब वो लिखा जाता है तो वो स्टीरियोटिपिकल नहीं होता हु? लेकिन कोई अपने अनुभव देखो अनुभव रेडीमेड नहीं मिलते अनुभव जो है वो रेडीमेड शर्ट की तरह नहीं होते जब तक आप स्वानुभूत को नहीं लिखेंगे बेहतर कॉन्टेक्स्ट में तब तक वो इमिटेटिव होगा उसका अर्थ नहीं व्याप्ति नहीं होगी शुरू में अगर मान लीजिए एक किसी ने किरदार लार्जर देन लाइफ लिखा वो भी होते हैं जीवन में भी लार्जर देन लाइफ किरदार होते हैं ऐसा नहीं पुरधाइने नहीं होती सामान्य स्त्रियों में कुछ बड़े बड़े लोग होते ही हैं आखिर तो कुछ बड़ा चित्र चरित्र बनेगा ही ना कोई चित्रलेखा कोई दिव्या तो होगी ही ना कोई न्यूनिया तो होगी ही पुरुषों के बीच भी होगी और स्त्रियों के यहाँ भी महादेवी वर्मा ने जिस जिन स्त्री पात्रों के बारे में लिखा वो भी है वो अलग तरह की रधिया होगी तो वो जीवन से ही वो चरित्र निकलते हैं लेकिन अगर उसी पैटर्न पर कोई लिखने लगे एक एक गणित का जो सवाल एक एक नियम के जो सवाल होते हैं डिटो डिटो लगा कर अगर उसको इमिटेट करे कोई और बार बार एक जत्ता पूरा उसको इमिटेट किए जाए तो स्टीरियोटाइप बन जाए अपने अनुभव में कोई रिपिटिशन नहीं होता और उसमें उस तरह से तो बड़े किरदार रचे जा रहे हैं बड़ी पंक्तियाँ रची जा रही हैं वहाँ जहाँ हमेशा अपने अनुभव से रचा जा रहा है किसी का उतरन की उतरन वहाँ पर नहीं चलती आप अनामिका जी इतने समय से लिख रहे हैं आपको लगता है कि अभी का जो समाज है वो समानता और विमर्श को लेकर पहले से ज़्यादा कहीं तैयार हुआ है या अस्वीकार्यता अभी जस की तस है हमेशा दोनों ही चलेगा लेकिन नव नए लड़के बहुत बदले हैं आपकी उम्र के लड़के बहुत बदले हैं और मुझे हमेशा कहने का मन होता है कि स्त्रीवाद के गर्भ से निकले हुए लोग हैं जो के ये समझते हैं कि दूसरे पर नियंत्रण करने से बेहतर है अपनी कुवृत्तियों पर नियंत्रण करना तभी हम प्रेम के लायक हो पाएंगे अगर हम अतिशय पुरुष रहेंगे तो हमें हमें प्रेम कैसे मिलेगा ये शिक्षा दीप स्त्री ने आंख अलग तरह की पाई है मैंने पहले भी कहीं कहा है कि ध्रुव स्वामिनियाँ तो तैयार हो गई हैं लेकिन रामगुप्त हैं ज़्यादातर आसपास तो छंद नहीं मिलता अब नए चंद्रगुप्त आ रहे हैं और वो इस कोशिश में है कि वो प्यार करने लायक हो सकें अपने सारे अतिरेक काम क्रोध लोभ के अतिरेक छाँट के उसका सरप्लस निकाल के ये मार्क्स के अलावा एक सरप्लस जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं और वो प्यार के काबिल हो जाएं जिनको देख के स्त्रियों को ये नहीं विद्यापति की नायिकाओं की तरह कहना न पड़े कि पिया मोरा बालक हम तरुणी पिया ले ली गोदक चल ली बाजार कम से कम नैतिक धरातल पे बराबर की जोड़ी बने इसकी कोशिश आप लोग कर रहे हैं ये बड़ी बात है लेकिन जो पुराना पुराने लोग हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि अरे ये जिस कुर्सी पे हम बैठे थे आज ही आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो कहे अरे भाई मुझे भी थोड़ी चोट लग रही है तुम बहुत देर से बैठो जरा मुझे भी आराम कर लेने दो तो आप चौंकेंगे कि क्या कुर्सी बोली इसको बोलने का क्या हक हाँ? है तो कुछ पुराने लोग ऐसे भी हैं जिन्हें स्त्रियॉँ फर्नीचर लगती थी तो वो जब बोलती हैं तो उन्हें बड़ा अटपटा लगता है वो एस्थेटिक्स ऑफ साइलेंस में जीने वाले लोग हैं वो पद्मिनी नायिकाओं को बोलने ही नहीं देते और कहते हैं कि जो बोलता है वो ज्ञात तो गणिका होगी जो बोलती है वो या तो गणिका होगी या फिर किसी तरह की आ, क्या कहना चाहिए पुराने समय में दूतिका होगी या वो वो उस तरह की नायिकाएं नहीं होंगी तो उनका नायिका भेद अलग तरह का है अब तुम आप लोगों का नायिका भेद एक दोस्त समाज बनाने वाला है दोस्त स्त्रियों में देखने वाला है और ये बड़े उपक्रम के साथ धीमे धीमे हुआ है स्त्री साहित्य ने रचा है आपको स्त्री जो नई तरह की बातें हैं विमर्श हैं उन्होंने रचा है आपका मन आपके एक और संग्रह की तरफ आता हूँ टोकरी में दिगंत थेरी का था सबसे पहले तो यही बताइए कि टोकरी में दिगंत ये रूपक कहाँ से आया वो रूपक अगर सच्ची बताऊँ तो एक हमारे घर के पीछे एक ट्रेन का रेल छोटी गेज की गाड़ी चलती थी उसमें सब्जी वाली बड़ी बड़ी टोकरियाँ लेके खींचती थी अपना चेन और बड़े बड़े गिल्लट के गजेवर पहने रहती थी बड़ी बड़ी टोकरियाँ लेके वो कूदती थी बुजुर्ग औरतें भी पचास साल ट्रेन, की साठ साल की हाँ आराम से कूदती थी और वहाँ से कूद के वो टोकरी लेके जाती रहती थी और उस टोकरी में मुझे सचमुच दिगंत दिखता तो आदिम बिंब तो मेरे भीतर वो है वो दिखता और वो बड़ी महिमा में मुझे लगती थी कि बापरे इतना बोझा उठा के या ईट ढोने वाली जो स्त्रियाँ थी मुझे बहुत उनको देख के सम्मान का भाव लगता था कि इतना पूरा संसार अपने कंधे पे और एक तरह से देखो तो एक नाम टोकरी एक नाम गठरी हर संवेदनशील व्यक्ति के जो जिम्मेदारी उठा सकता है पहले पहले किस्तियां स्त्रियां तन मन से सेवा करती थी अब धन से सेवा कर रही है घर बाहर दोनों की कर रही है और इसमें उनको जितना श्रम करना पड़ता है उसके लिए मेरा हाथ सौफ हमेशा रहता था तो टोकरी में अनंत वाला बिंब अगर मतलब अनुभव के दरातल पे वो मुझे लगता था कि इसमें तो पूरा ब्रह्मांड इनका है उसमें कुछ बटुली भी होती थी कुछ गुड़िया उड़िया पुतुल उतुल बना के वो अपनी पोतियों के लिए रखे थे थी तो बच्चे भी उनके पीछे बंधे होते थे तो संसार वो भी बाद में माइक्रोप्म और माइक्रोप के सम्मेलन की जो बात की कि हर हर बृहत में एक अणु अणु अगर दार्शनिक धरातल पर कहें तो अणु और नियाम बहतो महयान वाली बात है कि अणु अणु में पूरा ब्रह्मांड समाया है ये तो है ही अब बुद्ध के संदर्भ में अगर मैं चूंकि कहती थी कि बुद्ध कहते थे कि जो वो बाद के पुंडरीक सूत्र में उन्होंने कहा उसका सारांश ये है वो कहते हैं कि अतो ही अतिया नाथो मतलब तो मैं उसका उदाहरण कहती हूँ कहते हैं वो क्या ये कैसा हम कैसे समय में है कि हम सारी दुनिया पे तो कब्जा करना चाहते हैं या उसको नियंत्रण में रखना चाहते हैं लेकिन अपनी ही वृत्तियां हमसे नियंत्रण में नहीं आती नहीं। और बाद में मैंने सोचा इतिहास जब पढ़ने लगी मैं तो मैं सोचती थी कि जितनी भी क्रांतियाँ हुई जैसे मैं रोमांटिक पोइट्री पढ़ाती हूँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाती हूँ फिर रशियन रेवोल्यूशन भी बैकग्राउंड में तो सब कुछ साहित्य वाले भी पढ़ाते देखुण. ही हैं तो मुझे लगता था कि हर क्रांति इतने बड़े संयोग से शुरू हुई इतने बड़े आवेग से और प्रतिक्रांति बन गई तुरंत काउंटर रेवोल्यूशन आ गया वो कोई भी क्रांति हो पलट 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 पल, तुरंत पलट जाती है क्यों तो मुझे लगा कि आत्मक्रांति नहीं होती करने वाले अपने को नहीं बदलते सिर्फ परिवेश बदलना चाहते हैं तो जब सिर्फ परिवेश बदलोगे अपने को नहीं बदलोगे तो वो स्थाई क्रांति नहीं होगी ऐसा मुझे लगा और विमर्शों को मैं इस तरह से देखती हूँ खासकर स्त्री विमर्श को दलित विमर्श को भी आदिवासी विमर्श को भी सभी विमर्शों को अश्वेत आंदोलन को भी कि व्यवहारगत और विचारगत परिष्कार जो क्रांति जिसको मैं कह रही हूँ वो ये सजेस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई पहले स्वयं को बदल लो जिसको हम ट्रैजिक फ्लॉ कहते हैं अरिस्टोटल कहता था मैं नहीं कहती हूँ हर व्यक्ति में होता है अगर हम एक अपना ट्रैजिक फ्लॉ बदल लेते हैं तो हमें वो विश्वसनीयता आ जाती है अंजुम आप भी जानते हैं कि हमें लोग हम पर भरोसा करने लगते हैं और जब वो भरोसा करने लगते हैं तब हम उनको अगर कुछ कहते हैं तो वो आपकी वो उन वो हमारी बात मानते हैं आप छात्र हैं आपको कोई भी टीचर जो लगता होगा आपको विश्वसनीय जो आप उस जिसके बारे में समझते होंगे आप कि ये जो है ये बात नहीं बना रहा है यह अनुभूत सत्य कह रहा है और जो कह रहा है वो खुद पर लागू करके कर रहा है तो आप एक अद्भुत विश्वास अपने भीतर जगा देते हैं उसके लिए उसके बाद वो व्यक्ति चाहे आपसे जो भी करा ले ऐसे हम सबके शिक्षक और माता पिता और जो भी लोग हमें प्यार करते रहे हम मालूम है हमें पिताजी कहते थे एक श्लोक पढ़ते थे वो दग्ध था उसका अर्थ है कि जो जिसने भरोसा कर लिया उसको मार डालने में कौन सी बहादुरी जो गोदी में आकर सो ही गया उससे छल लेने में, उसको छल लेने में कौन सी विचक्षणता तो ये विश्वास की बात विश्वसनीयता जगाना इस अविश्वास के युग में काफ़ी कठिन है जब तक आचरण का अपने आचरण का परिष्कार नहीं होता जब से जब तक आप मनसा वाचा कर्मणा एक नहीं होते एक ऐसे इंटेलिजेंट लोगों का समाज है ये कम से कम आईक्यू तो बहुत बड़ा है लड़कों का तो वो समझ लेते हैं कि कहाँ फाँक है अच्छा आप थेरियों से मिली हाँ एक समय पर जब आप लिख रही थी उससे पहले की बात है उस अनुभव के बारे में थोड़ा सा बताइए क्योंकि ये वही बुद्ध हैं जिन्होंने कहा था कि संघ में अगर महिलाओं की एंट्री हो जाए तो जितने समय तक संघ रह सकता है वो उसके आधे समय तक रहेगा हाँ इसलिए वो इस ये कमेंट जो था वो पुरुष समाज पे था स्त्रियों पर नहीं था मैंने बुद्ध को दोबारा दोबारा पढ़ा और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा वो खबरा इसलिए रहे कि उन्हें पुरुष पुरुष के कंट्रो पुरुष अपनी कामनाओं का अपने क्रोध का अपने लोभ का नियमन या परिशमन नहीं कर पाता इसलिए जैसे कोई वो है कि उस स्त्रियों को देखकर वो उतना भी नहीं हो पाएगा जितना के अकेले में हो सकता था ये स्त्रियों पर अविश्वास नहीं था ये पुरुषों पर अविश्वास था और फिर उन्होंने जब आम्रपाली आदि सारी थेरियों ने उनक, उनको अपनी विश्व अपनी अपने, अपने प्रभाव में लिया तब तो उन्होंने कहा चलो ठीक है धीमे धीमे ही सही क्रांति होगी क्रांति होगी लेकिन स्त्री भी व्यक्ति है और उसको भी उस ओर बढ़ने का एक मौका दिया जाए उसके बाद जितनी भी थेरियाँ पाली में हैं लिखी हुई वो अहोभाव में है और मैंने जो ये थैरियाँ मेरी जो ये थेतरियाँ हैं वो हॉस्टल में रहती हैं मध्यवर्गीय परिवेश में रहती हैं और वो सब की सब एक बुद्ध ढूंढ रही हैं बुद्ध मतलब क्या बुद्ध मतलब एक ऐसा पुरुष जो आपको सिर्फ मांस का एक लोथड़ा नहीं समझे जो आपको गर्भ में और देह में रिड्यूस करके ना देखे आपको संवाद के लायक समझे तो मेरे मेरे मन में ये बात आई कि सब हम सब थेरियाँ हैं जो बूढ़ी औरतें बुज़ुर्ग औरतें छोटी औरतें कि ना किशोरियाँ सबके मन में इस हिंसा वेवल समय में हम सब आप में भी एक बुद्ध ढूंढ रहे हैं जिससे हम संवाद कर सकें और ये उन सब की कहानियाँ हैं इसीलिए आपने थ्री गाथा जो आपने लिखी टोकरी में दिगंत इसकी भूमिका में लिखा है कि आज की जो पीढ़ी है जो स्त्रियाँ हैं उनको योगी और निग बुद्ध जैसे लोग पसंद आ रहे हैं हाँ ये आज की बात नहीं है अंजू ये मैंने बचपन में भी देखा है ओघड़ भी आते थे जोगी भी आते थे तो स्त्रियाँ स्त्रियों के दोस्त की तरह वो बैठते थे दहली पे छोटी लड़कियों को तो हमें भगा दिया जाता था, था अंदर लेकिन दादियाँ नानियाँ उनसे दिल खोल के गप करती थी जितने भी ऐसे लोग चूड़ी हा चूड़ी वाले या जो भी आते थे वो स्त्रियों के बुजुर्ग औरतों के दोस्त हो जाते थे वो उनको अपने जीवन की सारी समस्याएं बता देती थी और उनसे परामर्श भी लेती थी भले बेशक वो आदमी फिर कभी नहीं आएगा लेकिन उससे दिल खोल कर बतिया लेती थी और इस तरह से एक अजब तरह का नाते अब जुड़ जाता था क्योंकि वो व्यक्ति उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं दिखता था सखा की तरह दिखता था देखता था तो शायद ये तो बात हुई अनामिका जी कविताओं की फिक्शन की तरफ आना क्यों हुआ क्या कविता में कुछ छूट रहा था भोला दर्जी एक हमारा था हम लोगों के मोहल्ले में मूर्तिकार और दर्जी भी रहते थे कहीं कहीं बैठे रहते थे तो उसको मैंने देखा था कि वो बड़े बड़े कपड़े सिलता था और उसके बाद कुछ कतरने बजा लेता था उन कतरनों से वो अपनी बेटी की गुड़िया सिलता था बनाता था इसी तरह कविता लिखते लिखते भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें रह गई हैं कुछ कतर ब्योंत हो गया है कुछ कतरने रह गई हैं इसको हम नए सिरे से नए संधान में डाल सकते हैं hmm. यह एक तरह का समझो कि कविता जो कि बीज विधा है एक फ्लैश में एक कौंद में उसको जीवन का मर्म समझा देना होता है उसके पास विस्तार का उतना स्कोप नहीं होता ठीक है लेकिन अगर कुछ प्रश्न भूतों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ गए और वो खैनी मांगने लगे खहनी चूना नाक धूलने लगे उत्तर मांगने लगे कुछ बड़े प्रश्न तो आपके अपने ही अनुभव उसका उत्तर नहीं दे पाते फिर आप क्या करते हैं कि 50 लोगों के दरवाजे जाते हैं 50 किरदारों के दरवाजे और आप सोचते हैं कि शायद इसके पास इसका उत्तर हो इसके पास हो इसके पास हो और इसी क्रम में उपन्यास लिखा जाता है एक ही सत्य को 50 कोणों से देखने का उपन्यास एक, एक जुगत है उसकी जब आपके प्रश्न भीतर बहुत गहरे हो गए हों और एक फ्लैश में आप समेट रहे हों अपना उसका सारांश लेकिन फिर भी विस्तार से उत्तर ढूंढना जरूरी हो तो आप उपन्यास लिख देते हैं ऐसा मुझे लगा आईना साज पर आता हूँ जी हालिया आपका उपन्यास है भौगोलिक सीमा भी पार कर रही हैं आप उसमें काल तो है ही बहुतायत में पात्र हैं इतिहास भी है साहित्य भी है वर्तमान भी है डॉक्टर नफीस भी हैं सपना भी हैं मैं जानना चाह रहा हूं कि जब आप अमीर खुसरो को लेकर ये लिख रही थी आप जब इसमें प्रवेश कर रही थी तो आपके जहन में क्या चल रहा था देखो धर्मांधता चल रही थी मुझे हमेशा ये लगता रहा कि मार्क्सवाद और धर्म एनलाइटनमेंट जिसको प्रबोधन कहते हैं ये दुनिया के दो तो बहुत महत्वपूर्ण नैरेटिव्स थे और दोनों ही अहंकार के शमन से शुरू हुए थे और पूरी दुनिया को मुक्ति की राह ले जाने का स्वप्न दिखाने से शुरू हुए थे लेकिन इन दोनों में विकृतियाँ आईं। दोनों ने अपना अवरोह देखा क्यों क्योंकि अहं जिस अहंकार से और मुक्ति की बात वो कर रहे थे उसी अहंकार से स्वयं ग्रस्त हो गए जो सत्य है वो मेरी ही जेब में है इसके अलावा किसी के पास कोई सत्य नहीं है हर धर्म कहता है हुँ? और थोड़ा बहुत जो जो उस तरह के कटमूल्य मार्क्सिस्ट हैं वो भी यही सोचते हैं जो अच्छे हैं वो नहीं वो तो रिवाइज कर रहे हैं नए प्रोडक्शन के साधन के हिसाब से नया मार्क्स रच रहे हैं लेकिन जो पुराने ढंग के हैं लोग वो बेबिद हैं आत्मश्रेष्ठता की ग्रंथि से वो इस तरह से ग्रस्त हैं जैसे कि विभिन्न धर्म वाले तो इसमें नए तरह से धर्म कैसे लिखा जाए नए तरह से शास्त्र कैसे गढ़े जाएं, ये सवाल तो हर हर किसी को होगा जो इस आतंक वाले समय में पैदा हुआ है और खासकर आपकी पीढ़ी के लिए आप माँ होने के चलते छात्र माँ टीचर होने के चलते मुझे ये बहुत चिंता सताती है कि कोई अतिरेक अतिवादी ना हो जाए और मैं जब देखती हूँ कि आपकी पीढ़ी में सूफ़ी संगीत सूफ़ी कविता पढ़ी जा रही है इससे मुझे उम्मीद बनती है कि अतिरेकों के निषेध की प्यास आप लोगों में है वो इसीलिए मैंने दोनों काल और बचपन में मैंने कहा मज़ार मैंने बहुत करीब से देखे थे चिश्ती जो सिलसिला है सूफ़ियों का वो मेरे क़रीब से ननिहल में ख़ास कर मेरे बहुत करीब से देखा हुआ था मेरा तो वो थे ही पड़ा हुआ कुछ था ही आपकी पीढ़ी में मैंने उसके पुनः पाठ के एक स्कोप देखते हुए अमीर खुसरो और आपके इस समय के नफीस और सिद्धू जो एक दलित नायक है उसको मैंने धर्म की पुनः की धर्म क्या है धर्म है कि आपके भीतर जो प्रच्छन्न संभावनाएं हैं उसको हम खाद पानी देते रहें सामने वाले की हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से विशिष्ट है और उसका वैशिष्ट जो उजागर करने के पथ पर चलता है वही सूफी है वही सही का, सही मायने में भक्त है तो ये भाषा मुझे ज़रूरी लगी इसलिए मैंने उसकी आइना साज की जैसे बात हुई रामेगा जी इसकी भाषा बड़ी ही रोचक है क्या उपन्यास लिखते हुए इस बात की चिंता रहती है कि कवात्री कहीं बाहर ना झांकने लगे बहुत चिंता में करती नहीं पहले ड्राफ्ट में पहले ड्राफ्ट में जैसा मैंने कहा वो तो स्वच्छंद प्रवाह ही रहता है आ, और मैं ये भी नहीं मानती कि आदमी के भीतर जो आइडेंटिटीज हैं अलग अलग तरह के मैं हैं बहुत छोटे छोटे जो उसके समझो कि बूंद बूंद जो इत्ता है उसकी वो अलग है जैसे अणु रचना अणु की संरचना होती है एक अणु दूसरे क्या हाथ पकड़ के ऐसे रहता है मकर जाल बना के खड़ा रहता है उसी तरह मनुष्य के भीतर जितनी आइडेंटिटीज़ हैं वो हाथ पकड़ के इंटीग्रेटेड मॉडल बनाती हुई चलती हैं तो कोई चीज़ किसी से वियुक्त हो जाए इसकी चिंता मैं कभी नहीं करती मैं वियुक्त किसी को किसी से करना ही नहीं चाहती न बाहरी दुनिया में न अपने भीतर की दुनिया में जो मैंने जिस जिस तरह से जिन रूपों में जिन यत्ताओं में जिन खंडों में सत्य को पहचाना है वो जिस तरह से बाहर आ रहे हैं मैं उसको विच्छिन्न करने के चक्कर में कभी नहीं रहती वही मेरा स्वाभाविक है जो मैंने देखा है मेरी आँख ने देखा तो मेरे हृदय ने भी तो देखा मेरे माँ मेरे टीचर वाले रूप ने देखा तो मेरे नागरिक वाले रूप ने भी तो देखा मेरा जो एक माँ का रूप है वो मेरे एक नागरिक के रूप से विच्छिन्न तो नहीं है तो कवि का रूप जो है उपन्यास के रूप से विच्छिन्न भी नहीं है क्योंकि जो हमारे रूपक आते हैं या मेरे बिंब आते हैं वो तो मेरे सांस लेने का ढंग है मैं उसको याद मुझ के नहीं चुन के फेंकती वह मुझे नहीं लगता कि वो राह का पत्थर है वो मुझे लगता है कि मेरी भाषा का वो हिस्सा है मेरा वो मेरे भीतर जो जज्ब है वही तो बाहर आएगा मैं किसी और की तरह कैसे लिखूँ ये भी एक तरह की पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग हो जाएगी जो अपने को मैं अदर मान के लिखूं हालांकि उपनिषद में इसका इस इसका उपनिषद में भी जिक्र है और मंडोपनिष उपनिश्य, मंडोपनिषद में और ऐसे भी एक वेद में भी जिक्र है सुपर्णा चिड़िया का कि एक ही डाल पे दो चिड़िया बैठी है एक चिड़िया जो है वो फल खा रही है और दूसरा उस फल को खाते हुए देख रही है और किसी भी मनुष्य में ये दोनों भाव होते हैं एक भोक्ता और एक दृष्टा तो भोक्ता से दृष्टा अलग है ऐसा मैं नहीं मानती इसलिए मेरे भीतर तो जितनी भी चिड़ियाओं का चिड़ियों का झुंड है मैं एक साथ को बोलने देती हूँ यही पोलिफनी है मेरे ख्याल से जिसको बाख्तीन कहते हैं कि एक खेल का मैदान होता है उपन्यास और उसमें लीला भाव में जैसे एक रणभूमि भी है और एक लीला भूमि भी है भाषा और उसमें अलग अलग खंडों से अलग अलग भाषा बोलते हुए लोग आएंगे ही अगर आपने गौर से सुना है लोगों को और गौर से देखा है तो वो अपने ढंग से आएंगे ही अच्छा जब इतनी सारी चिड़ियाएँ चहक रही हैं तो वो चिड़िया ज़्यादा संतुष्ट कब रहती है कविता लिखते हुए या कथा लिखते हुए मैं कथा लिखते हुए भी कविता ही लिखूँ ऐसा मेरे भीतर रहता है क्योंकि कहा अल्टीमेटली कविता ही तो, तो संतुष्टि दे रही है आपको। हाँ मुझे लगता है कि बात करने का सहज आत्मीय ढंग कविता है इसीलिए लोरिया से लोरियों से शुरू करते हैं हम प्रेम में भी कविताएं लिखते हैं मरते समय भी रुदालियां भी गाती हैं कविताएं तो कविता हमारे जीवन का आदि छंद है आदि मतलब वो हमारा स्वाभाविक वो सांस लेने का हमारा ढंग है हमने कविता को सुला दिया है ये बात अलग है एक थकी हुई मजदूर नहीं की तरह कविता कहीं फुटपाथ पर सोई है ये बात अलग है लेकिन हमारा प्रकृत रूप कविता ही है ये प्रेम करते हुए मरते हुए और जन्म लेते हुए हम कविता ही कविता में रहे फिर आप ये क्यों कहती हैं अपने इंटरव्यूज में ज्यादातर कि कविता या जो कवि है उसकी स्थिति घर में किसी बैठे बुजुर्ग की तरह है हाँ तो क्या हुआ वो एक तरफ बैठा है अनादृत है लोग उसको नहीं भी देख रहे फिर भी उसकी उपस्थिति उसके लिए सार्थक है क्योंकि वो जो भी उसमें उसने जीवन के अनुभव अर्जित किए हैं वो उससे अपने ढंग से वो बांट रहा है तो उसको जब तक कोई किसी को कुछ माने अपनी आंख में जब तक आप नहीं गिरते आप तब तक आप आपका कोई आदर करे अनादर करे फर्क नहीं पड़ता जिस दिन आप अपना अनादर करने लगेंगे और आपको लगेगा कि आपसे गलती हुई है और आपने कोई छोटा काम ओछा काम कर दिया है जिस दिन आप अपनी निगाह में गिरते हैं उसके बाद तो गिरे तो चकनाचूर कबीर कहते हैं तो वही चकनाचूर हो जाता है लेकिन जब तक मनुष्य लगता है कि हम तो अपने ढंग से ठीक ही चल रहे हैं चलूंगी चाल अनूठी अपूठी मेरा कहती तो जब तक ये मस्तानापन रहता है फर्क नहीं पड़ता आप अंग्रेजी साहित्य पढ़ाती हैं जी। वैश्विक साहित्य ने आपकी कविता आपके लेखन पर कितना असर डाला आ, असर तो दुनिया में देखो वो जो कहानी है ना, कि उसकी माता थी ना जा माता जाबाला, जाबाला सत्यकाम जाबाल की जो माँ थी जाबाला गुरु के कहने पे उसने पूछ पूछा माँ से कि माँ मैं किसकी संतान हूँ मैं तुम तो उसने कहा कि भाई मैंने इतने गुरुओं की सेवा की मुझे नहीं पता तुम किसकी संतान तो इसीलिए जो भाषा मेरी है वो इतने जारे तटों से आई है कि वो किसके प्रभाव में क्या है लेकिन हड्डा अनुस्यूत हो धीमे धीमे हो मैंने कभी किसी को किसी के रंग में रंगने की कोशिश नहीं की क्योंकि तो मेरे भीतर अलग अलग रंगों के डब्बे खुले पड़े थे ऐसा मुझे लगता था लेकिन मैंने गहन संवाद किया अपने परिवेश से भी और पढ़े हुए लोगों से भी तो पश्चिमी कविता से डिक्शन का कंट्रोल जो है वो रिल के यहाँ लोरका के हाँ पैब्ल नरूदा के यहाँ गैर पश्चिम मतलब पश्चिम में भी जो एक पूरब है वहाँ की कविताएं मुझे बहुत मुतासर करती रही हैं जैसे पोलैंड की कविता जर्मनी की कविता यहाँ स्पेनिश कविता पूरी लैटिन अमेरिका की कविता अफ्रीका की कविता मुझे ऐसा लगता रहा है कि जिस जिन भौगोलिक खंडों ने जितना सहा है उसके अब उनकी भाषिक उनका भाषिक अवचेतन उतना समृद्ध है और वहाँ की कविता बहुत ज़्यादा समृद्ध है तो मुझे अंग्रेजी की कविताओं से ज़्यादा पश्चिम में जो गैर अंग्रेजी भाषा भाषी हैं, उनकी कविताएं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती रही हैं क्योंकि उनमें भी लंबे समय तक औपनिवेशिक दासता का जो पाकिस्तान का खुद भी अरे सऊदी अरेबिया का कितना अवचेतन में सहा हुआ अनगूझ का वो झब्बा है और उससे तो जितनी तरह के सुर निकलते हैं वो कहीं अनंत ही ले जाते कविता तो अनंत की ओर जाती हुई होती है ना तो जिसमें जितनी ध्वनियाँ होती हैं रेजनेंस वो उतनी समृद्ध करती है अच्छा आप अंग्रेज़ी पढ़ाती हैं अंग्रेज़ी में लिखती भी हैं दो भाषाओं में जब आप लिखते हैं तो भाषाओं का टकराहट विचार आने पर होता है और अगर होता है तो पहले किस भाषा में आकर किस में अनुवाद करती हैं फिर देखो ना एक क्रॉस वेंटिलेशन के जैसा हो जाता है दो तरफ खिड़कियाँ खुली हैं तो हवा आती है आराम से उधर से जाती है इधर से आती है भाषा कभी अवरोध पैदा नहीं करती भाषा का काम ही है जोड़ना और कभी भी ऐसा अगर मान लीजिए कि कुछ विचार अंग्रेजी में आ भी गए कभी कभी बहुत कम लेकिन आ ही गए मान लीजिए क्योंकि तो आदमी का पढ़ा हुआ भी अंतर जगत का हिस्सा बन जाता है तुम एक लगातार हर भारतीय हमेशा अनुवाद करता हुआ पैदा होता है हम पांच छह तरह की भाषाएं बोलते हुए पैदा होते हैं लोक सड़क की भाषा एक लोक भाषा है हुँ? अगर घर में कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ी जा रही है तो उसकी एक भाषा है अलग अगर हम अकादमिक दुनिया में है तो एक भाषा अंग्रेज़ी भी है हम जो घर में हैं वो एक अलग तो चार पांच भाषाएं लगातार खिड़कियां खोले हुई है और एक दूसरे के घर आवाजाही लगाए हुए है उसमें गांधी की बात बहुत अच्छी है कि जैसे हम अपने अपनी जमीन पर खड़े रहें अपनी भाषा पे खड़े रहें लेकिन खिड़कियाँ तो खोले रखें तो इसमें कहीं भी अवरोध नहीं होता आपने बाकायदा अनुवाद किए हैं और अंग्रेजी में आलोचना भी लिखी है हिंदी में आलोचना आपने उतनी नहीं लिखी जितनी अंग्रेजी में आपने लिखी है ऐसा क्यों है क्या आलोचना के लिए भाषा तैयार नहीं करती या हम लोग तैयार नहीं है ये काम बहुत लोग जिम्मेदारी से कर रहे थे और दूसरी बात है कि मैंने स्त्रीवादी आलोचना तो की है स्त्री तो का मान क्षेत्र है, है ना जी। और बाद में अभी मेरी एक किताब आ रही है स्त्री लेखन का की सविनय अवज्ञा इसमें मैंने कहा है कि गांधी की जो सविनय अवज्ञा थी वो एक लिखने का टूल भी था भाषा का टूल भी था स्त्रियों के यहाँ अवज्ञा भी कर रहे हैं लेकिन सविनय तो ये मैंने सभी स्त्रीलेखों को पढ़खा है उसमें और अभी मेरे मन में पुनः पाठ की बात आती है एक पुनः पाठ श्रृंखला भी मैंने वाणी प्रकाशन के साथ मिलकर शुरू की थी जिसमें मैंने भारतीय कालजोई जितनी कृतियां हैं उनमें दोबारा नए ढंग से विचार लेकिन वो मौखिक ही था वो उसको अभी लिखित नहीं आया है ठीक है कम भार हम लोग कोई भी करे काम होना चाहिए इतने लोग और कर रहे हैं ना मोर द मेरियर कभी मेरे पास भी होगा मौका पूछ सकता है रिटायरमेंट के बाद तो उठाऊँ ये भी प्रश्न अनामिका जब बोलती हैं या कुछ लिखती हैं या उनको जब पुरस्कार मिलता है तो कई बार विवाद होते हैं लेकिन वो जवाब देना पसंद नहीं करती हैं क्यों इसलिए कि हर व्यक्ति को अपना मत रखने का आग्रह मुझे तो जो कहना था मैंने कह दिया है लिख करना और मैं उसको सुनती हूँ कई बार मैं क्रिटिसिज्म से सीखती भी हूँ अगर मेरी कोई आलोचना कर रहा है तो मैं ढंग से सोचती हूँ कि इस आलोचना में कितना वजन ये सचमुच द्वेष पीड़ित आलोचना है या इसमें कोई तत्व भी है अगर उसमें तत्व होता है तो मैं उसको ग्रहण करती हूँ और उसके आधार पे अपने को दोबारा खंगालती हूँ अपने को संभाल अपने को दोबारा रचती हूँ लेकिन अगर मुझे लगता है कि ये राग द्वेश पीड़ित कुछ कह रहा है तो मुझे लगता है कि अच्छा इसके मन में कहीं कोई कांटा गड़ा होगा इसके जीवन में कोई दुख होगा उस दुख को मैं दूर करने में लग जाती हूँ क्योंकि अगर बिना प्रोवोकेशन के कोई बिना ऐसे ही कुछ कुछ भूल रहा है तो उसके मन में कहीं कोई दुख है तो मुझे लगता है कि वो दुख दूर करके मैं उसको थोड़ा सा उसका जो दुख है उसका कांटा गड़ा हुआ वो निकाल दूँ ये मेरा एक फिर मेरा नागरिक जग जाता है लेकिन रिएक्ट करना मुझे नहीं आता मेरी मेरी माता आता आप करती हैं लेकिन भाषा उसकी दूसरी होती है जैसे साहित्य अकादमी मिलने पर जब कुछ लोगों ने विवाद खड़ा किया तो आपने कहा कि पुरस्कार मिलना संयोग शासित होता है ये आपने बयान दिया हाँ। संयोग शासित वाकई ये तो बहुत सचमुच होता है मुझे क्या पता कौन क्या हो रही किताब कहाँ टहल रही जब मैंने किताब लिख दी तो किताब किस गली गई कैसे किस टेबल पे आई मुझे थोड़ी पता मैं कोई कुरियर वाला थोड़े हूँ जो ट्रैक भेजूंगी कि मेरी किताब ऐसे ट्रैक मुझे क्या पता कहाँ जा रही है कौन दे रहा है किस टेबल पर क्या हो रहा है मुझे नहीं दुनिया में किसी ने यह नहीं देखा होगा कि मैंने कुछ ट्रैक किया हाँ. मुझे बिल्कुल नहीं मैंने जैसे अपने बच्चों को अपने पढ़ा लिखा के घर के बाहर भेज दिया और विश्वासपूर्वक भेज दिया कि अब तुम लोग अपना देखो किताबों को भी भेजा Hmm. अब कौन गली गए श्याम मुझे क्या पता <laughs> <laughs> अब क्या हो गया उनके साथ मुझे क्या पता आज उत्कर्ष उन्नयन किस गली में है कैसे है मुझे क्या पता मैंने अपनी तैयारी करके उनको भेजा है मैं छात्रों को अपनी तैयारी करके भेज देती हूँ उसके बाद मैं उनके पीछे नहीं पड़ी रहती तो मिस्टिकल है यह कि कैसे किसी ने उठा लिया तो इसलिए संयोग तो है ही मुझे कुछ नहीं पता होता मैं तो कभी अपने बारे में बोलती हुई दिखाई नहीं देती कभी मैं मैंने अच्छा। खुद को भी नहीं देखा है अपने बारे में बोलते हुए और अपनी प्रशंसा करते हुए किसी ने नहीं देखा है मैंने भी नहीं देखा है आप इतना अनौपचारिक रहती हैं हाँ मैं रहती हूँ इसका कभी घाटा हुआ हाँ लोग सोच कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बन रही हूँ ये मेरी कृत्रिमता है ये मैंने कुछ बन के कहा है बहुत लोगों ने ये भी पूछा है कि ये ऐसी ही है या जान जान के ऐसे बोलती है जबकि मेरे भी हमें जिस इलाके की हूँ वहाँ सभी स्त्रियाँ ऐसे ही बोलती हैं मेरा कुछ अनूठा नहीं है एक संगीतात्मकता होती है मतलब ऐसे ही बोलने का जो माँ बाप से सीख लिया वो सीख लिया अब उसको अब नए ढंग से कैसे बदलूँ मैं शहर आती नहीं हुई मुझे शहर मुझे शहर के रंग ढंग उतने नहीं आए क्योंकि मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं मुझे महसूस हुई कि मेरे माता पिता ने जैसा मुझे बनाया उसको मैं उस पर कुछ और भी पोत पात दूँ ये मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने अपने को उतना बदलने की कोश कोशिश नहीं की बोलने चालने के ढंग में उस पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया लेकिन परिष्कार विचार में कोई परिष्कार आता है तो उस पर ध्यान दिया और भी तरह के इतना काम में बहुत मेहनत बहुत मेहनती लड़की औरत औरतों तो मेहनत बहुत करती हूँ घर गृहस्थी में भी यूनिवर्सिटी में भी लिखने पढ़ने की मेरे पास इतना वक्त ही नहीं बचता उसके बाद कि मैं और भी कुछ कर सकूं अपने आप मेकअप करूं या अपने नए ढंग से मैं अपने को सजाऊं धजाऊं बोलने का बहुत नफास नफीस ढंग पैदा करूं ये सब मुझे नहीं समय नहीं मिलता मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं महसूस होती अच्छा आप सॉफ़्ट स्पोकन है इतना बाहर पचास तरह की बातें होती हैं आप पर बिलो द बेल्ट वार भी कुछ हुए हैं साहित्यिक समाज ने भी किए कभी लगा नहीं कि अपनी भाषा में थोड़ा सा तेवर मुझे लेके आना चाहिए या अपनी बोली में नहीं मैंने मुझे उसका मौका नहीं मिला मैंने अपने को उस तरह से क्योंकि देखो जानना ही मानना है ये मैं मानती हूँ जो मुझे जानते हैं वो मुझे मानते हैं और जो मुझे नहीं जानते वो वो मेरे लिए पेड़ पौधे हैं अब उनके लिए मैं क्या वो पेड़ पौधे हरे भरे बने रहे मैं उस पर कोई कुठाराघात नहीं करने वाली पेड़ पौधे पर कुठाराघात नहीं कर लेकिन जो मुझे जानता है वो मुझे मानता है ये मुझे पता है इसलिए मेरे अंतरंग में कुछ मुझे बदलाव घटित करने मुझे जानने वाला नहीं कोई कहता मेरे माता पिता ने नहीं, नहीं कहा मेरे बच्चों ने नहीं, नहीं कहा मेरे छात्र नहीं कहते मेरे मेरे पति नहीं कहते मेरे दोस्त नहीं कहते तुम्हारे जैसे जो लोग जानते हैं वो नहीं कहते मैं जैसी हूँ उन्होंने मुझे स्वीकार किया है अच्छी बुरी मोटी पतली जैसी भी हूँ मुझे स्वीकार किया है तो मुझे अपने को बदलने की जरूरत महसूस नहीं हुई और मैंने प्यार दिया है मुझे बहुत प्यार मिला है तो थोड़े से लोग प्यार नहीं करते उसकी मुझे चिंता नहीं रहती मुझे मालूम है कि जब वो मेरे पास आएंगे तो मुझे प्यार करेंगे जैसे मैं उनको करूँगी नई पीढ़ी से संतुष्ट है बहुत हद तक बहुत हद तक क्योंकि वो प्रेम का मतलब समझती है और विश्वास अगर उस पर विश्वास करके उससे संवाद करो तो वो ध्यान से सुनती है और वो प्यार प्यार की भूखी पीढ़ी है इसलिए वो चाहती है कि उसको प्यार मिले उसको सम्मान मिले वो एडहॉक नौकरियों और एडहॉक संबंधों से थकी हुई पीढ़ी है उसमें उसमें ठहराव उसको चाहिए इसलिए वो हमारी जैसी माओ जैसी माँ जैसी औरतों से मिलकर खुश होती है तो मुझे तो आनंद आता है उनसे बात करके और शायद उनको भी क्योंकि मेरे जीवन का पूरे 24 घंटों में मैं 12 घंटे तो ज़रूर ही अपने से छोटों के बीच रहती हूँ घर में भी बच्चे हों बच्चों हो, के दोस्त हों गली मोहल्ले के बच्चे हों यूनिवर्सिटी के बच्चे हों हर जगह मैं छोटे छोटे ही लोगों के साथ रहती हूँ तो मुझे पता है कि ऐसा है मैंने उनकी आँख में प्रेम देखा है जैसे मेरा उनके लिए वैसा उन मेरे लिए उनको और इसीलिए आपने कहा था कि बड़ों से उम्मीद करना मैंने छोड़ दिया है अब नई पीढ़ी से मुझे उम्मीद मुझे बड़ों से उतनी अब उम्मीद नहीं रहती पिताजी के जाने के बाद पिताजी के आसपास जो लोग थे उनको देखने के बाद बाद में जो मेरे समकालीन हुए ना वो मुझे अलग तरह के लगे तो मैंने उनसे फिर उतना संवाद नहीं किया लेकिन केदार जी से तो अच्छे संवाद था वो तो बचपन से मुझे जानते थे वो तो मेरे पापा के दोस्त ही थे उनकी नज़र नहीं बदली कभी उनकी नज़र नहीं बदली पिताजी के दो तीन मित्र हैं जिनकी नज़र नहीं बदली वो जैसे मुझे इतनी बड़ी गुड़िया देखते आए थे पिताजी की पत्नी का इलाज तो पटना में हुआ था और माँ पिताजी वहाँ पर थे लगातार हम लोग उनके साथ थे मैं तो छोटी थी जैसे रोली वगैरह भी बहुत छोटी थी लेकिन वो दुख के क्षण उनकी आँख तो कभी नहीं बदली वो इतने बेटियों के पिता थे वो तो सब बहुत बेटियों की तरह सबको ही देखते थे सब छात्रों को मेरी तरफ से और भी एक प्रमोद का कुमार सिंह थी थे बहुत अच्छे दिनकर जी इन लोगों की आंख अंत तक नहीं बदली पिताजी के जाने के बाद भी ये लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी वगैरह ये लोग पिताजी के बहुत करीब थे और अंत इन लोगों का वात्सल्य मुझ पर बना रहा तो वो कुछ लोग हैं जिनको बहुत लोग नहीं जानते मगर वो ज्यों के त्यों ही रह गए और मुझे पत्ती पत्ती सींचा जितना आपने काम किया नामिका जी, जी। अपने काम को लेकर संतुष्ट हैं संतुष्ट मैं मेहनत से हूँ लेकिन मुझे ये संतोष नहीं है कि मैंने आ, मुझे अभी जो और रचना है मेरे भीतर जो अभी बहुत कुछ खदबदा रहा है वो मैंने अभी धीरज से बैठ के क्योंकि ये समय ऐसा था ना जब मैंने मेरा कमो बेश एक संयुक्त परिवार है बिहार से बहुत सारे विस्थापित लोग मेरे घर आते हैं डॉक्टर हैं पति तो बीमार पड़ के लोग आते हैं शिक्षार्थी आते हैं मेरी गृहस्थी बहुत बड़ी है और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से यूनिवर्सिटी भी बहुत दूर है तो मेरा बहुत सारा समय अभी उसमें जाता है रिटायरमेंट का मैं इंतजार कर रही हूँ उसके बाद शायद मेरे भीतर जितने अनुभव हैं जितनी कहानियाँ हैं जितनी कविताएँ अभी अनकहीं हैं कुलबुला रही हैं शायद मैं धीरे से उस समय लिखना शुरू करूँ अगर ताकत रही बदन ने साथ दिया तो मैं उस समय संतोष से पूरा समय देकर अभी तो भागम दहाग में जो किया है सो किया है जब शांति से करूँगी तो शायद ज़्यादा अपने भीतर जो है जितना मैं कर सकती हूँ कर दूँगी जितनी मेरी क्षमता है वो करूँगी बाकी आप लोग हैं जीवन तो एक सिलसिला है जो मैं नहीं कर पाऊंगी आप लोग करेंगे मैं तो एक बृहद मैं है ना हम सब मिलके एक मैं बनाते हैं जी। तो एक हिस्सा मैं हूँ मेरे मैं का एक हिस्सा आप हैं एक हिस्सा कोई है जहाँ से थक जाऊँगी मैं गठरी रख दूंगी वहाँ से आप लोग उठाए मशाल यात्रा है यह जीवन एक मशाल यात्रा है और इसलिए मुझे अगली पीढ़ी से बहुत उम्मीद है आपकी मशाल यात्रा ऐसे ही चलती रहे नामिका जी आप संगत में आई आपको बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम का अंत आप अपनी किसी एक कविता से करें कौन सी कविता सुनो <laughs> जो भी आपका मन करे कविता नमक है वो सुना दो जी नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी धरती का तीन भाग नमकीन पानी है और आदमी का दिल नमक का पहाड़ कमज़ोर है दिल नमक का कितनी जल्दी पसी जाता है गढ़ जाता है शर्म से जब फेंकी जाती हैं थालियाँ दाल में नमक कम या ज़रा तेज़ होने पर वो जो खड़े हैं ना सरकारी दफ्तर शाही नमकदान है बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं हरदम हमारे जले पर नमक जिनके चेहरे पर नमक है पूछिए उन औरतों से कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है अदा उन नमक हलालों से रंज रखता है महासागर दुनिया में होने न दी उन्होंने क्रांतियाँ रहम खा गए दुश्मनों पर गांधी जी जानते थे नमक की कीमत और अमरूदों वाली मुनिया भी दुनिया में कुछ और रहे न रहे, रहेगा नमक ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना यही वो नमक है कि जिससे रहेगी ये दुनिया क्या बात है बहुत शुक्रिया आपका संगत में आने के लिए तो मैंने अपने जीवन में जब गोश्त संभाला तो मैंने किताबें ही किताबें देखी अपने घर में पापा कलाकारों से बातें करते थे चाहे वो मुक्तिबोध हो चाहे जैनिंद्र कुमार हो तो उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर सवाल उठते थे और तो मुझे कहीं हमेशा ये लगता है कि साहित्य से थोड़ी बहुत सौंदर्य की रक्षा होनी चाहिए समाज में कामकाजी स्त्री का जो संघर्ष है मैं मुझे वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लिखने के लिए जब मैंने शहर से दस किलोमीटर पढ़ा तब मुझे लगा कि काश मैंने ये लिखा होता तो मेरी माँ जब थाली लेकर आरती का आ रही थी नीचे सीढ़ी से तो रवि के चाचा ने रवि से कहा इससे तो इसकी माँ से शादी कर लेता और हम लोग बहुत देर तक तो इस बात पर हंसते रहे कि पुरुष अच्छा होता है इसको लेकर हम असमंजस में हैं